हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 के हम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है एक अडल्ट के अंदर, राइट? यहाँ पे अडल्ट की बात हो रही है, तो एक अडल्ट में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 206। अब जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्केलेटन सिस्टम को। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन सिस्टम। कौन सा? अपेंडिक्यूलर स्केलेटन सिस्टम। अब जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इसमें टोटल 80 बोन्स होती है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, इसमें होती है 126 बोन्स। तो एक्सियल में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? एक्सियल में आ जाता है हमारा स्कल वाला पार्ट, रिब केज, वर्टिब्रा, ईयर ऑसिकल्स, हायोइड, ये सारे आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं हमारे शोल्डर्स हो गए, आर्म्स, फोर आर्म्स, हैंड्स, पेल्विस, थाइज, लेग्स, फीट, एंकल, इन सब की बोन्स बनाकर मिलाकर बनाती है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन अ चाइल्ड। जो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 300। कितनी बोन्स होती है? 300 बोन्स होती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इसमें कुछ बोन्स डेवलप हुई नहीं होती, कार्टिलेज की फॉर्म में होती है, एक फ्लूइड सा ही होता है। तो धीरे धीरे ये जो बेबी की बोन्स है वो डेवलप होती है और आपस में कनेक्ट होनी शुरू होती है, और अल्टीमेटली 206 बोन्स रह जाती है जैसे वो अडल्ट होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन फेशियल पार्ट। हमारा जो फेशियल पार्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 14 बोन्स। फेशियल पार्ट में कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन अ मैन। कितनी रिब्स होती है हमारे अंदर? जो रिब्स होती है वो टोटल नंबर ऑफ रिब्स 24 होती है, तो पेयर्स कितने हो जाएंगे? 12 पेयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी इज फाउंड इन। हमारी बॉडी की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो कहाँ पे होती है? तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो है हमारी जॉ बोन। कौन सी आ जाएगी? जॉ की। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी बॉडी में मिडल ईयर में। ये जो मिडल ईयर की बोन होती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन लेग। लेग में नहीं होती, नॉट फाउंड इन ह्यूमन लेग। अब लेग में तीन बोन्स है जो मेजरली है। अब देखो, हमने स्मॉलेस्ट बोन की बात करी थी, लेकिन लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। यहाँ पे है ये फीमर, थाई बोन जो होती है ये है लॉन्गेस्ट बोन। तो लेग में एक तो फीमर होती है जो थाई बोन है, उसके बाद नीचे आ जाती है फिबुला एंड टिबिया। फिबुला एंड टीबिया, ये तीन मेजर बोन्स हैं हमारे लेग्स की, फीमर, फिबुला एंड टीबिया। अब इसमें कौन सी है जो लेग बोन नहीं है? वो आ जाएगी ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पे होती है? ये होती है आर्म्स की, ये आर्म्स की बोन है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी फीमर। फीमर कौन सी है? थाई बोन। फीमर कौन सी बोन है? थाई बोन। नेक्स्ट है द बोन ह्यूमरस इज फाउंड इन। ह्यूमरस आर्म्स की है, आर्म्स की कौन सी? अपर आर्म की है, राइट? ह्यूमरस कौन सी है? अपर आर्म की बोन है। यहाँ पे अपर आर्म की जो बोन है वो है ह्यूमरस, और जो फोर आर्म की है वो है उल्ना एंड रेडियस। उल्ना एंड रेडियस कहाँ पे पाई जाती है? हमारी फोर आर्म्स की बोन्स है उल्ना, रेडियस, और ह्यूमरस है अपर आर्म की बोन्स। नेक्स्ट है बोन फाउंड इन लेग ऑफ अ मैन। लेग की बोन, जो लेग्स में बोन्स होती है तो वो किस टाइप की बोन्स होती है? तो यूजली जो हमारे लेग्स की बोन्स होती है वो हॉलो होती है, हॉलो बोन्स होती है। हॉलो मीन्स जैसे एक पाइप होता है ना, बीच में से खाली है और साइड पे उसके ये बाउंड्री सी होती है, तो इस तरह से हॉलो बोन्स होती है, बीच में ये बिल्कुल खाली होती है।
नेक्स्ट है द बोन टीबिया इज फाउंड इन, टीबिया लेग्स की बोन्स है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये रहा टीबिया. नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर कहाँ पे पाई जाती है, कौन से पार्ट में होती है, तो ये होती है थाई बोन है, फीमर. फीमर कौन सी बोन है, थाई बोन है, और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है. नेक्स्ट है द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ, बोन्स और टीथ जो है, हमारे बोन्स एंड टीथ जो है उनमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इनमें होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कौन से दो एलिमेंट्स है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. नेक्स्ट है बोन ऑफ अ मैन बिकेम वीक इन ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में जब बूढ़े हो जाते हैं तो जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है. क्यों वीक हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. हमने यहाँ पढ़ा था ना बोन्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स वीक हो जाएगी, तो ओल्ड एज में जाकर क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके चलते हुए जो हमारी बोन्स है वो वीक होनी शुरू हो जाती है. नेक्स्ट है बोन्स ज्वाइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ, बोन्स और मसल्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो किस चीज से कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, तो वो कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन. बोन्स एंड मसल्स को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंडन. क्या बोला जाता है, टेंडन, राइट. लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है जो दो बोन्स को ज्वाइन करता है, जो दो बोन्स को ज्वाइन करता है, टू बोन्स को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट. कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक फ्लूइड सा होता है जो कि ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स में भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, तो ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है. कार्टिलेज क्या है, ये एक फ्लूइड होता है जो हमारे ज्वाइंट्स में बोन्स में प्रेजेंट होता है और फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, क्योंकि नहीं तो बोन्स आपस में रगड़ रगड़ कर या ज्वाइंट्स जो है हमारे आपस में रगड़ रगड़ कर फ्रिक्शन तो होगी ही, क्योंकि जब हम ज्वाइंट्स को मोड़ते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो हड्डियां है वो घिस जाएगी, तो उनके बीच होता है कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या है, एक फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन को रोकता है और हमारी हड्डियां जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन द बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, हमारी बोन्स में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो हमारी बोन्स के अंदर जो सॉल्ट होता है सबसे ज्यादा जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट. कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट. नेक्स्ट है हाउ मेनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस, कितने दांत है जो दो बार आते हैं, दो बार कौन से दांत आते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ पहले आते हैं और उसके बाद फिर वो टूट जाते हैं, दोबारा फिर से मिल्क टीथ तो आते ही हैं और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा दांत भी आते हैं, तो दो बार जो दांत हमारे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क टीथ ही, मिल्क टीथ की जितनी काउंटिंग होगी उतने ही दोबारा आएंगे ही आएंगे, तो 20 टीथ ऐसे होते हैं जो टू टाइम्स हमें मिलते हैं, राइट. तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 2102/2102. मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, इसका मतलब है कि टू इंसीजर्स होते हैं, वन पेयर ऑफ कैनाइंस, टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस. यहाँ पे जो मिल्क टीथ होता है ना इसमें प्री मोलर्स नहीं होते, इसमें टू पेयर ऑफ मोलर्स होते हैं, राइट. टू पेयर ऑफ मोलर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस और वन पेयर ऑफ इंसीजर, सॉरी टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, राइट. तो ये है हमारे मिल्क टीथ का फॉर्मूला. अब ये ऊपर वाले हो गए और यहाँ पे नीचे वाले हो गए, अब इन दोनों को टोटल करोगे तो टोटल 20 टीथ बन जाएंगे. ये पेयर्स में है, टू पेयर वन पेयर, यहाँ पे प्री मोलर्स होते नहीं है, फिर मोलर्स, फिर टू पेयर्स आ जाएंगे, सेम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो ये दो बार आते हैं हमें 20 टीथ. अब जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, जो परमानेंट टीथ है उनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, राइट. नीचे भी सेम होते हैं 2 1 2 3. इसमें क्या है, टू इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस, टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, राइट. यहाँ पे ध्यान रखना पेयर है ये, टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस, टू पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड थ्री पेयर ऑफ मोलर्स. अब जो मिल्क टीथ है ना उसमें मोलर्स के दो पेयर्स होते हैं, यहाँ पे मोलर्स के थ्री पेयर्स होते हैं जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं. तो सेम जो हमारे नीचे वाले दांत होते हैं, दांत ऊपर और नीचे होते हैं, तो नीचे वाले दांतों में भी सेम होता है, वन पेयर ऑफ इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस,
टू पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड थ्री पेयर ऑफ मोलर्स, राइट। तो ये है फॉर्मूला परमानेंट टीथ का, परमानेंट टीथ का ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला है हमारा जो मिल्क टीथ होते हैं या टेम्परेरी टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला है, राइट। ये फॉर्मूला भी ध्यान में एक बार रख लेना, क्योंकि कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ज़्यादातर जो डाइजेशन होती है वो हमारी एलिमेंट्री के कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होती है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो जो मोस्ट जो डाइजेशन है, मोस्टली जो डाइजेशन है वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम तीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जूसेस वगैरह सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वहाँ पे जो डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, डाइजेशन स्टार्टेड इन मैन फ्रॉम। डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम माउथ में जो फूड है उसको डालते हैं तो टीथ की हेल्प से हम उनको च्यू करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करते हैं, उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्सअप होता है जो कि आगे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होती है, राइट। तो ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ मैन इज अप्रॉक्सीमेटली। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है वो रहती है 32 feet। कहीं पे 31-30 भी लिखा होता है, तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 32 feet, स्टार्टिंग फ्रॉम द इसोफेगस। ये इसोफेगस से शुरू हो जाती है, इसोफेगस से लेकर एनस तक जो है इसका जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की वो है 32 feet, जिसमें कि इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।